नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम UP SSC PET के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपको UP SSC PET के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। UP SSC का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, वहीं PET का फुल फॉर्म होता है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। और UP SSC को हिंदी में कहते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, वहीं PET को हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक पात्रता परीक्षा। दोस्तों यदि बात की जाए क्वालिफिकेशन की तो PET में फॉर्म भरने के लिए आप 10th पास होने चाहिए। यदि बात की जाए एज लिमिट की, PET में फॉर्म भरने के लिए आपकी न्यूनतम एज 18 और अधिकतम एज 40 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों PET में फॉर्म भरने के लिए जनरल और OBC की एक फीस 185 रुपये है और SC ST की फीस 95 रुपये है और दिव्यांग लोगों की फीस 25 रुपये। बात किया एग्जाम पैटर्न की तो PET का एग्जाम ऑफलाइन होता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो PET के सिलेबस में 13 सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों PET के एग्जाम में भारतीय इतिहास 5 नंबर का आता है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का आता है, भूगोल भी 5 नंबर का आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था भी 5 नंबर की आती है, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन भी 5 नंबर का आता है, सामान्य विज्ञान भी 5 नंबर की आती है, प्राथमिक अंकगणित भी 5 नंबर का आता है, सामान्य हिंदी 5 नंबर की, सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर की, तर्क और तर्क 5 नंबर, सामयिकी 10 नंबर की, सामान्य जागरूकता 10 नंबर की, व्याकरण 10 नंबर की आती है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। SSC CGL और SSC CHSL में अंतर जानने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए और ग्रुप D और NTPC में अंतर जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।